हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट आरएनए, व्हाट इज आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। देखो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए की एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। समझ आया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसकी कॉपी करना डीएनए की एक स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो ही करती है एक्सेप्ट। देखो, ए बेस पेयर विद यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन। जैसे हमारे डीएनए के अंदर थायमिन होता था, उसकी जगह पे इसमें यूरासिल होता है। इन आरएनए ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपी इंस्टेड ऑफ बोथ एज इट अकर्स इन डीएनए। आरएनए के अंदर केवल एक स्ट्रैंड को कॉपी किया जाता है, जबकि डीएनए के अंदर दोनों को किया जाता था। ठीक है। इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फोर्थ कंपोनेंट जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एनहांसर टू स्पीड अप द प्रोसेस। इन ट्रांसक्रिप्शन जो मेन एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम होता है, ये एक्ट करता है डीएनए टेम्पलेट पर। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज का छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसमें आपको अलग से पता चल रहा होगा, पांच पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो अल्फा बनाई है, दो बीटा बनाई है और एक और बनाई है गामा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सिक्स यूनिट होती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज तीन एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है आरआरएनए, सेकंड जो होता है वो कैटालाइज करता है एमआरएनए को, और थर्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है टीआरएनए को। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स। ट्रांसक्रिप्शन में भी सेम वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी वहां पे हुआ था। देखो, सबसे पहले वही एक्टिवेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आप सब समझ गए होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं, वही एएमपी जीएमपी है ना। ठीक है, तो आरएनए सिंथेसिस अकर्स इन जी1 एंड जी2 फेज ऑफ सेल साइकिल। आरएनए सिंथेसिस कहाँ होगा, जब जी1 और जी2 फेज चल रही होगी सेल साइकिल की। इन ए सेल ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन यूकैरियोटिक इन सेल साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इन यूकैरियोट्स एंड इन सेल ट्रांसक्रिप्शन सेल में अकर होती है साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। आरएनए सिंथेसिस को आरएनए न्यूक्लियोटाइड चाहिए दोनों में ही, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं जैसे हमारे डीएनए में थे, सेम वैसे ही फॉस्फोरिलेज एंजाइम में एम मोनो वाला ट्राइफॉस्फेट उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरासिल है, ये सब आपको पता चल गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट की फॉर्मेशन होगी क्योंकि डीएनए टेम्पलेट से ही तो हम आरएनए बनाएंगे। तो ये रहा प्रमोटर साइट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम देख चुके हैं। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करता है। इट रिक्वायर्स स्टार्ट सिग्नल इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा, ये सिग्मा चाहिए होता है इसको। फिर ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये टर्मिनेटर यूनिट है। इस तरह से डीएनए डुप्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एज वी नो आरएनए पॉलीमरेज हैविंग सिक्स फैक्टर इनिशिएटिंग फैक्टर, इट रिकॉग्नाइज द प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट को पहचान लेगा और इन्वॉल्व इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। तो अनवाइंडिंग हो जाएगी डीएनए की, हेलिकेज एंजाइम एक्ट करेगा, अनवाइंडेज एक्जोन्यूक्लिएज एंडोन्यूक्लिएज एटसेट्रा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अनवाइंडिंग में हेल्प करेंगे। फिर बेस पेयरिंग होगी, ये कौन करेगा, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम करेगा। इट इन्वॉल्व्स इन रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, यहां से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। रेजिड्यू ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। एटीपी है जैसे हमारा, अब क्या होगा, यहां से एक जो है फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जाएगा फॉस्फेट बॉन्ड, एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज आउट होगी। फिर इलोंगेशन हो जाएगी आरएनए चेन की, जो कि कैटालाइज की जाएगी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जो डीएनए डिपेंडेंट है। इट एस्टेब्लिश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन आरएनए न्यूक्लियोटाइड इन प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव। लास्ट में क्या करेंगे, सेपरेशन कर देंगे आरएनए चेन का। कौन करेगा, ये अनदर फैक्टर है टर्मिनेटर, जिसको आरएचओ फैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होगा भाई, देखो
ये सेपरेट कर देगा आरएनए चेन को डीएनए से, लास्ट में फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी डीएनए डुप्लेक्स की, हेलिकेज अनवाइंडेज वही एंजाइम्स जो इनको रिमूव कर देंगे तो वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड रीएस्टेब्लिश हो जाएंगे नाइट्रोजन बेस ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड। इस तरह से डीएनए कोयल और हेलिक्स जो है दोबारा से रीएस्टेब्लिश हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन देखो भाई, ये बीच में हमारी स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट थी, ये कंपोनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एक्ट एक जीन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है और कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए पॉलीपेप्टाइड जीन। इट मीन्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है कंसिस्टिंग ऑफ कोडिंग इन्फॉर्मेशन, कोड करता है इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन यूकैरियोट, यूकैरियोट के अंदर प्रोड्यूस कर दिए केवल एक पॉलीपेप्टाइड जीन, इसलिए इसको बोल देते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल सिस्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जीन, इसलिए इसको बोल देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कैसे होती है भाई। देखो यूकैरियोट्स में दो कॉम्प्लेक्सिटी शो होती है, दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस देखा हमने ट्रांसक्रिप्शन का कैसे होता है। अब यूकैरियोट्स में बता रहा है, यूकैरियोट्स में फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये इन्वॉल्व करता है थ्री एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स। दिस आरएनए पॉलीमरेज कौन सा होता है, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट ये इन्वॉल्व होगा सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए बनाएगा स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रोड्यूस करेगा एचएनआरएनए जो कि प्रीकर्सर होता है एमएनआरएनए का, इट एक्ट्स एंड प्रोवाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड ये प्रोड्यूस करेगा टीआरएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए, एसएनआरएनए बोल देते हैं जिसको, ठीक है। सेकंड, एक तो ये तीन पॉलीमरेज हो गए आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का क्या काम होता है। और सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल, एचएनआरएनए नॉन फंक्शनल है, इसको कौन से स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले इसमें क्लीवेज होती है। एज प्राइमरी ट्रांसक्राइब्ड आरएनए मच लार्जर या नॉन फंक्शनल है तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा छोटी छोटी यूनिट में फंक्शनल सेगमेंट बनाने के लिए, और ये कौन करेगा, राइबोन्यूक्लिएज पी एंजाइम करेगा। इट इज आरएनए एंजाइम इन्वॉल्व इन क्लीवेज, ये क्लीवेज में इन्वॉल्व होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ेंगे एचएनआरएनए को, फिर स्प्लाइसिंग करेंगे। जैसे कि हमें पता है प्राइमरी ट्रांसक्राइब्ड आरएनए एचएनआरएनए है तो इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिनको हमने एक्जोन और इंट्रोन का नाम दिया है। इन स्प्लाइसिंग इंट्रोन को हम रिमूव कर देंगे और एक्जोन को जोड़ देंगे आपस में, तो इस तरह से फंक्शनल और प्रोसेस्ड आरएनए हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। इस सेगमेंट में डाई न्यूक्लियोटाइड जीयू जो है वो अकर्स हो जाएगा फाइव एंड पे, और अनदर डाई न्यूक्लियोटाइड एजी अकर होगा थ्री एंड पे, जिसे कैपिंग और टेलिंग बोलते हैं, दिस इज नोन एज जीयू एजी रूल भी बोल देते हैं। दिस इंट्रोन सेगमेंट इज रिकॉग्नाइज बाय स्प्लाइसिंग एपरेटस नेम्ड, जिसको बोल देते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। इन दिस एपरेटस एक कॉम्प्लेक्स नेम स्प्लाइसोसोम एंटर करेगा, ये रिमूव कर देगा इंट्रोन्स को। नाउ द कोडिंग सीक्वेंस आर लाइगेटेड बाय आरएनए लाइगेज एंजाइम जो कि उनको आपस में जोड़ देगी, ए फंक्शनल आरएनए हैविंग कोडिंग सीक्वेंस जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगी। फिर टर्मिनल एडिशन, इसको कैपिंग और टेलिंग बोलते हैं, कैपिंग अक्कर हो गया एमआरएनए में फाइव एंड पे, मिथाइलेटेड कैप होगी नॉन एज जिसको सेवन मिथाइल गुआनोसाइन बोलते हैं, ये मॉडिफिकेशन होती है जीटीपी की ही। थ्री एंड पे बहुत सारे एडिनोसाइन रेजिड्यू ऐड हो जाएंगे जिसको टेलिंग बोलते हैं। टीआरएनए मॉलिक्यूल में सीसीए सेगमेंट एडेड एट थ्री एंड बाइंड्स करेगी अमाइनो एसिड को, ये एक्ट करेगी बाइंडिंग साइट ऑफ, लास्ट में नाइट्रोजन बेस मॉडिफिकेशन हो जाएगी, ये मॉडिफिकेशन जरूरी होती है स्पेसिफिसिटी ऑफ टीआरएनए, ये हेल्प करेगी रिकॉग्नाइजेशन में और रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड में। इस पर्पज के लिए कुछ नाइट्रोजन बेस को मॉडिफाई किया जाएगा मिथाइलेशन के द्वारा और डीएमिनेशन के द्वारा, तो इस तरह से क्या होता है, ये डेवलप हो जाता है हमारा आरएनए, ठीक है। अब इसको हम एक बार डायग्राम से देखते हैं तो आपको बहुत इजी समझ जाएगा इसे थोड़ा सा। देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एचएनआरएनए है, डबल स्ट्रैंड बना रखा है यहाँ पे, सबसे पहले एच एन आर एन ए बनेगा, ओके सॉरी ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, तो ये देखो डीएनए हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स में जो यहाँ पे हमारा प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन पे ये सिग्मा फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा, ये क्या करेगा
साइट को पहचानेगा, ठीक है। तो यहां से इनिशिएशन शुरू हो जाएगी, देखो इनिशिएशन शुरू होगी। एक्चुअल में है क्या ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसके पास कोफैक्टर प्रेजेंट होते हैं अल्फा बीटा गामा सिग्मा फैक्टर, ये जो कैटालाइज करता है प्रोसेस को, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन तीन स्टेप में कंप्लीट होगी, इनिशिएशन में, इलोंगेशन में और टर्मिनेशन में। इनिशिएशन में देखो ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, स्टार्ट सिग्नल को क्या कर लेगा, पहचान लेगा, फिर प्रमोटर रीजन पे जाएगा डीएनए पे, विच देन अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, प्रमोटर पे बाइंड हो गया, बाइंड होके क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा प्रमोटर रीजन, फिर ये स्ट्रक्चरल वाले पे आ जाएगा, जब प्रोसेस खत्म होना है तो ये टर्मिनेटर पे आ जाएगा, टर्मिनेटर पे यहाँ सिग्मा फैक्टर की जगह रो फैक्टर आ जाता है, इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है बैक्टीरिया के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो डायग्राम से देखो कितनी आसान हो गई है, सीधा क्या किया है इकोलाई बैक्टीरिया का ये सिग्मा फैक्टर लिया जो कैटालाइज करेगा प्रोसेस को, स्टार्ट सिग्नल पहचान लेता है इसलिए इनिशिएटर, फिर ये प्रमोटर रीजन पे आ गया, फिर स्ट्रक्चरल पे जब खत्म करना है तो टर्मिनेटर पे रो फैक्टर आ जाता है, बिल्कुल आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। इलोंगेशन मतलब कि लेंथ प्रोवाइड कर रहा है ये इसको, टर्मिनेशन मतलब अब हो गया हमारा काम कंप्लीट, आरएनए बन गया है ये नजर आ रहा है तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यूकैरियोट्स में भी जैसे ये सारा हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होते हैं, तो इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। ये देखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे जैसे है तो इसमें देखो डायग्राम में अलग से आपको पता चलेगा, ये कैपिंग हो रखी है, कैपिंग में ये गुआनोसाइन ट्राइफोस्पेट है तो इसको हमने कैपिंग बोल दिया फाइव एंड पे, और देखो थ्री एंड पे, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में थ्री एंड पे आपको नजर आ रहा है ए ए पोलियाडाइनिलेशन होता है जिसको टेलिंग बोल देते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग में हमने क्या किया है, देखो मेरे पास इंट्रोन और एक्जोन बन गए थे तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इसमें इंट्रोन्स को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, इंट्रोन्स को हटा देंगे तो क्या बच जाएंगे हमारे पास, एक्जोन बच जाएंगे, एक्जोन को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये एमआरएनए बन जाएगा, इस तरह से ये एचएनआरएनए था तो लास्ट में हमारे पास ये एमआरएनए बन जाता है, इस तरह से ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, एक बार इसको अभी के अभी रिवाइज करके देखो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पर डायग्राम की हेल्प से, बिना डायग्राम के आपको समझ नहीं आएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।